आंखें दिल की जुबां होती हैं और आईना भी। बड़ा बाजार की मछुआ फल मंडी में बने पूजा पंडाल में आंखें ही आंखें दिखाई दे रही हैं। मछुआ बाजार सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति ने इस बार अपने 68वें वर्ष में एक ऐसी थीम तैयार की है जो नेत्रहीनों को समर्पित है। नेत्रहीनों की नजर में दुर्गा पूजा का स्वरूप कैसा है, यही है पूजा पंडाल की थीम। पूजा पंडाल को दो भागों में बटा हुआ दिखाया गया है, एक तरफ रंगीन तो दूसरी तरफ ब्लैक एंड व्हाइट। वजह क्या है, आइए जानते हैं आयोजक की जुबानी। हम लोग कोरोना पीरियड में हम लोग करीबन 2 महीने डीएलएफ ब्लाइंड स्कूल में हम लोग लंच प्रोवाइड किए थे, तो वहाँ जब ब्लाइंड स्कूल में गए नेत्रहीनों के साथ रहने के बाद हम लोग को समझ में आया कि इन लोग को मतलब ये लोग की सोच बहुत है, लेकिन आखिरी में देखा गया इनके साथ जिंदगी पूरा काला सादा ही है और कुछ नहीं। इनको हम लोग समर्पित करने के लिए हम लोग इस पंडाल का रूप भी हैं पूजा उदय जो के मतलब उनके नज़र में जो नेत्रहीन है वो पूजा को किस तरह एंजॉय करेंगे, तो हम लोग उसको ही उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस थीम को तैयार किए पूजा उदय जो के। आप देखते हैं पंडाल का दो रूप दिया हुआ, एक तरफ देखिए पूरा ब्लैक एंड व्हाइट, एक तरफ कलरफुल, और जितने मॉडल है देखिए जो नेत्रहीन है उनके आँख बंद है, काला लगा हुआ है रंग है, और जो हमारे जो हम लोग जैसे हैं उनके पूरे चक्षु खुली हुई है और वो सब कुछ समाज में देख पा रहे हैं, लेकिन जो नेत्रहीन हैं उनको कुछ नज़र नहीं आता, उनको काला सादा के सिवा इस दुनिया में कुछ नज़र नहीं आता है, तो हम उनके दुख दर्द को दर्शाने के लिए कि उनका भी एक सोच है एक समझ है, वो अंदर में बहुत से अच्छे फीलिंग रखते हैं लेकिन बावजूद उनके उनके ज़िंदगी में काला सादा के सिवा चुकी है। नेत्रहीनों को समर्पित इस पूजा पंडाल में दर्शनार्थियों की भीड़ तो उमड़ेगी, लेकिन नेत्रहीनों का सहारा कौन बनता है यह वक्त बताएगा। कैमरामैन असीम पॉल के साथ लखन भारती की रिपोर्ट।